नमस्कार बच्चों, मैं नेहा सेन नव भारती परिवार में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कुछ पंक्तियां मैं प्रस्तुत करना चाहूंगी आपके लिए, जैसे दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, मस्ती भरे लम्हे उड़ने की आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा छोटी सी आशा। ये जो पंक्तियां मैंने अभी आपके सामने प्रस्तुत की, इन पंक्तियों से आपको क्या लगा? देखिए, एक नन्हा सा बालक, छोटा सा बालक जो होता है, उसके मन में बहुत सारी इच्छाएं होती है, बहुत सारी आकांक्षाएं होती है उसके मन में। उन आकांक्षाओं के माध्यम से वो मत्स्य भरे आसमान में उड़ना चाहता है, खेलना चाहता है, कूदना चाहता है, पढ़ना चाहता है, अपने मन की मर्जी करना चाहता है। लेकिन कुछ बालक ऐसे होते हैं जो अपने इन सपनों को पूरा नहीं कर पाते हैं और उनका जो बचपन है वो काम की भेंट चढ़ जाता है। क्यों चढ़ जाता है? क्योंकि वो दो वक्त भोजन पाने के लिए भी मेहनत करते हैं, दो वक्त का भोजन भी उन्हें नहीं मिल पाता है और उस भोजन के लिए वो बहुत परिश्रम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। बाल मजदूरी जिस नाम से जाना जाता है, इसे बच्चों के द्वारा श्रम करवाया जाता है, परिश्रम करवाया जाता है, उसी के ऊपर आक्षेप करती हुई, व्यंग करती हुई, कटाक्ष करती हुई हमारी आज की कविता है बच्चे काम पर जा रहे हैं। कक्षा 9 पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 की कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं, जिसके कवि जो कवि हैं वो कौन है? राजेश जोशी जी। तो कविता को पढ़ने से पहले हम राजेश जोशी जी के बारे में जान लेते हैं कि राजेश जोशी जी इनका जन्म मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ। उन्होंने शिक्षा पूरी करने के बाद पत्रकारिता शुरू की। पत्रकारिता यानी कि उन्होंने जर्नलिस्ट का काम शुरू किया, फिर कुछ सालों तक अध्यापन किया। राजेश जोशी ने कविताओं के अलावा कहानियां, नाटक, लेख और टिप्पणियां भी लिखी। उन्होंने कुछ नाट्य रूपांतर तथा कुछ लघु फिल्मों के लिए पटकथा लेखन भी किया। उनके द्वारा भट्टहरि की कविताओं की अनुरचना भूमिका कल्प तरुया की एवं मायकोवस्की की कविता का अनुवाद पतलून पहना बादल नाम से किया। कई भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी, रूसी और जर्मन में भी उनकी रचनाएं मिलती हैं। राजेश जोशी जी की रचनाओं में क्या है? गहरे सामाजिक अभिप्राय वाली रचनाएं उनकी है। वे जीवन के संकट में भी गहरी आस्था को उभारती है। उनकी कविताओं में स्थानीय बोली, बानी, मिजाज और मौसम सभी कुछ व्याप्त है। यानी उनकी जो रचनाएं हैं, उन रचनाओं के अंदर स्थानीय बोली को भी महत्व दिया गया है, बानी यानी वाणी को भी महत्व दिया गया है, मिजाज यानी जो आचरण होता है, व्यवहार होता है, उसको भी महत्व दिया गया है, मौसम को भी उसमें दर्शाया गया है, चित्रित किया गया है। उनके काव्य लोक में आत्मीयता और लयात्मकता है तथा मनुष्यता को बचाए रखने का एक निरंतर संघर्ष भी है। दुनिया के नष्ट होने का खतरा राजेश जोशी को जितना प्रबल दिखाई देता है, उतना ही वे जीवन के संभावनाओं की खोज के लिए बेचैन भी दिखाई देते हैं। यानी असंभावनाओं में संभावनाएं ढूंढने वाले कवि हमारे राजेश जोशी जी। इनकी रचनाओं में कविता संग्रह है एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नैपथ्य में हंसी, दो पंक्तियों के बीच, ये इनके कविता संग्रह है। फिर कहानी संग्रह में है इनका सोमवार और अन्य कहानियां कपिल का पेड़। आगे है इनका, इन्होंने जो नाटक लिखे उन नाटक में जादू जंगल, अच्छे आदमी और टंकारा का गाना प्रमुख है। उनकी आलोचनात्मक टिप्पणियों की पुस्तक एक कवि की नोटबुक प्रकाशित हो चुकी है, ठीक है। फिर इनके इन्हें जो पुरस्कार मिले, उन पुरस्कारों में है शमशेर सम्मान, पहल सम्मान, मध्य प्रदेश सरकार का शिखर सम्मान और माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार के साथ केंद्र साहित्य अकादमी के प्रतिष्ठित सम्मान से भी इन्हें सम्मानित किया गया। तो ये था राजेश जोशी जी का कवि परिचय। अब हम कविता पर चलते हैं और देखते हैं कविता के बारे में। हमारी जो कविता है बच्चे काम पर जा रहे हैं, इस कविता में क्या है? इस कविता के अंतर्गत कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्हें कवि ने चित्रित किया है। इन बच्चों को कवि ने काम पर जाते हुए देखा है, यानी वो अपना जीवन यापन करने के लिए काम पर जा रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। उस मेहनत के रूप में जो उन्हें पारिश्रमिक मिलता है, उस पारिश्रमिक से वो अपना अपने परिवार का पेट पालते हैं।
जैसे अगर आप आज भी देखें तो आज भी हमें सड़कों पर कई बच्चे थैली बीनते हुए मिल जाएंगे, कचरा बीनते हुए मिल जाएंगे। आप किसी होटल पे जाते हैं तो होटल पे चाय की थड़ी पे, या फिर आप देखिए मजदूरी पे जो बच्चे जाते हैं, उन आपको कहीं ना कहीं ऐसे बच्चे मिल जाएंगे जो अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने में सहायता करते हैं, अपने परिवार का माता पिता की सहायता करते हैं। वो उन्हें विद्यालय जाने का जो उनकी आयु है, खेलने कूदने की जो उनकी आयु है, वो बचपन जो बिल्कुल सीधा होता है, सरल होता है, आशाओं से भरा हुआ होता है, सपनों से भरा हुआ होता है, उनका वो बचपन परिश्रम की भेंट चढ़ जाता है, क्योंकि उनके पास दो वक्त का भोजन भी व्याप्त नहीं होता है, मतलब उपलब्ध नहीं होता है। तो उनकी मजबूरी है कि उन्हें काम करना पड़ रहा है, और उनकी इस मजबूरी को क्या समाज देखता नहीं है, क्या मनुष्य को ये दिखाई नहीं देता है, समाज में दिखाई नहीं देता कि वो छोटे छोटे बच्चे अपना बचपन खो रहे हैं, उनका बचपन इस परिश्रम में जा रहा है, काम करने में जा रहा है, उनका वो बचपन जिसमें उन्हें खेलना चाहिए, कूदना चाहिए, जिस बचपन में उन्हें पढ़ाई करनी चाहिए, सपने देखने चाहिए, गार्डन में खेलना चाहिए, विद्यालय जाना चाहिए, किताबें पढ़नी चाहिए, बॉल से खेलना चाहिए, वो सारे के सारे क्या नहीं दिखाई देता है समाज को। इसी बात के ऊपर कवि ने यहाँ आक्षेप किया है, व्यंग किया है। तो आइए शुरू करते हैं आज की कविता। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। अब कवि ने जो दृश्य यहाँ बनाया है वो सुबह सुबह का दृश्य है। अर्ली इन द मॉर्निंग जब हम उठते हैं सर्दियों में, तो कोहरा छाया हुआ था चारों ओर, धुंध छाई हुई है, और उस धुंध भरे कोहरे भरे सुबह में बच्चे काम पर जा रहे हैं। जो सड़क है वो पूरी किससे ढकी हुई है, कोहरे से ढकी हुई है सर्दियों की सुबह। और सर्दियों की सुबह में जब सड़क कोहरे से ढकी हुई, कोई नजर नहीं आ रहा है, उस समय वो बच्चे काम पर जा रहे हैं, सुबह सुबह वो बच्चे काम पर जा रहे हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं, हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है, भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए, इसे सवाल की तरह, बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। अब यहाँ पर कवि ने प्रश्न उठाया है, क्या प्रश्न उठाया, देखिए बच्चे काम पर जा रहे हैं, सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं, हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति क्यों है ये, क्योंकि आज हमें विभिन्न जगहों पर बच्चे काम करते हुए मिल जाते हैं, जिस अवस्था में उन्हें खेलना चाहिए, जिस अवस्था में उन्हें पढ़ना चाहिए, जिस अवस्था में उन्हें भरपेट भोजन मिलना चाहिए, उसके लिए वो संघर्ष करते हैं, और संघर्ष के कारण ही उन बच्चों को काम पर जाना पड़ता है, अपने माता पिता की सहायता करनी पड़ती है उन्हें, क्योंकि उन्हें अपने परिवार का पालन पोषण करना होता है। तो हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, उनका बचपन व्यर्थ हो रहा है, उनका बचपन बेकार जा रहा है, उनका बचपन खत्म हो रहा है, इस काम की भेंट चढ़ रहा है, भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना, कि इसे और भी भयानक है कि इसे विवरण की तरह लिखा जाना, विवरण की तरह लिखा जाना यानी इसे समझाना, इसे देखना, समाज इसे देख करके भी चुप्पी साधे हुए है, ये गलत है, ये बहुत ही गलत है समाज के अंदर कि वो बच्चे काम पर जा रहे हैं, उन बच्चों को काम पर नहीं भेजना चाहिए, लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। कवि यहाँ पर कह रहा है कि ये बात नहीं लिखी जानी चाहिए, इसे एक सवाल की तरह देखना चाहिए कि आखिर वो बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, आखिर वो बच्चों को श्रम क्यों करना पड़ रहा है, जिस अवस्था में उन्हें जीवन का आनंद लेना चाहिए, बचपन का लाभ उठाना चाहिए, उस बचपन में वे काम पर जा रहे हैं। तो कवि ने यहाँ पर एक प्रश्न किया है समाज से कि आखिर वो बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, क्या इसका कोई उत्तर दे सकता है, वो समाज से पूछ रहे हैं। देखिए करना चाहिए, जिस समय को उन्हें मनोरंजन में बिताना चाहिए, वो समय वो कहां व्यतीत कर रहे हैं,
श्रम करने में, रोजी रोटी कमाने में व्यतीत कर रहे हैं। क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या जिन रंग बिरंगी किताबों को बच्चे पढ़ा करते हैं, जिन कॉमिक्स को, जिन कहानी की किताबों को, जिन चित्रों की किताबों को बच्चे पढ़ा करते हैं, क्या उन्हें दीमकों ने खा लिया है जो इनके लिए उन किताबों किताबें उपलब्ध नहीं है? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए सारे खिलौने? क्या जितने भी खिलौने हैं, जिन खिलौने से बच्चे खेलते हैं, क्या वो सारे खिलौने पहाड़ के नीचे दब गए? और पहाड़ भी कैसा है? काला पहाड़। काला पहाड़ यहाँ कभी ने क्यों लिया है कि काली चीजें जो होती हैं वो गलत होती हैं, यानी बुरे को दर्शाती हैं, बुरी चीजों को दर्शाती हैं। तो ये क्या कह रहा है कभी यहाँ पे, क्या काले पहाड़ के नीचे वो सारे के सारे खिलौने दब गए हैं जो इन बच्चों को खेलने के लिए खिलौने उपलब्ध नहीं है? क्या किसी भूकंप में ढह गई है मदरसों की सारी इमारतें? जिन विद्यालयों में, जिन मदरसों में शिक्षा दी जाती है, क्या उनकी दीवारें गिर गई है जो इन बच्चों को शिक्षा के भी साधन उपलब्ध नहीं हुए? अर्थात यहाँ पर कवि ये कहना चाह रहा है कि जिस अवस्था में इन बच्चों को, जिस बचपन में ये बच्चे बॉल से खेला करते हैं, किताबों को पढ़ा करते हैं, खिलौनों से खेला करते हैं, या विद्यालय जाया करते हैं, मदरसे जाया करते हैं, उन सब का क्या लुप्त हो गई है वो सारी चीजें? क्या किताबों को दीमक खा गई है? क्या खिलौने पहाड़ के नीचे दब गए हैं? क्या गेंदे अंतरिक्ष में गायब हो गई है? या फिर उन विद्यालय या मदरसों की दीवारें गिर गई है जहां इन्हें शिक्षा देने का कार्य किया जाता है? तो कवि ने ये सब क्या किया, यहाँ प्रश्न किया है। आगे है, क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? अब कवि ने यहाँ पर फिर प्रश्न किया है कि जिस अवस्था में बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, और जिस मैदान में वो खेलते हैं, जिस बगीचे में उनकी खिलखिलाहट सुनाई देती है, जिस घर के आंगन में वो खुश होकर के नाचते गाते हैं, क्या सारे के सारे एकाएक समाप्त हो गए हैं, लुप्त हो गए? क्योंकि वो बच्चे काम पर जा रहे हैं, उन बच्चों का बचपन खत्म हो रहा है, वो परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जिस अवस्था में उन्हें, जिस बचपन में उन्हें बचपन का लाभ उठाना चाहिए, जिस बचपन में उन्हें मनोरंजन के साधनों का लाभ उठाना चाहिए, उनसे खेलना चाहिए, कूदना चाहिए, उस अवस्था में वो काम पर जा रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या सारे खिलौने खत्म हो गए हैं? क्या किताबें खत्म हो गई है? क्या मदरसे और विद्यालय खत्म हो गए हैं? या फिर मैदान, बगीचे, घरों के आंगन सब लुप्त हो गए एकाएक? आखिर ये बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? कवि कहना चाह रहे हैं, तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा यह है कि सारी चीजें हस्ब मामूल। अब यहाँ पर कवि क्या कह रहा है? कवि ये कह रहा है कि अगर ऐसा है, सब चीजें लुप्त हो गई हैं, तो इस दुनिया में आखिर बचा ही क्या है? बच्चे कैसे अपना समय बिताएंगे? बच्चे कैसे अपना बचपन बिताएंगे? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। अब यहाँ पर कवि ने यथार्थता बताई है, वास्तविकता बताई है कि ऐसा नहीं है। लेकिन यदि ऐसा होता, कैसा होता? यदि खिलौने गायब हो जाते, किताबें दीमक खा जाती, घर के आंगन, मैदान, बगीचे लुप्त हो जाते, या फिर जो गेंदे हैं वो अंतरिक्ष में चली जाती, तो ये स्थिति बहुत ही भयानक होती। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब चीजें अपनी अपनी जगह उपस्थित है, अपनी अपनी जगह उपलब्ध है। लेकिन भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा यह है कि सारी चीजें हस्त बाबुल, सारी चीजें वैसी की वैसी, हस्त बाबुल यानी यथार्थ, वैसा का वैसा, सारी चीजें वैसी की वैसी ही है। लेकिन कमी किस चीज की है कि उन बच्चों को उसके लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पा रहा है। वो समाज के शोषण का शिकार हो रहे हैं, जो बच्चे दो वक्त का भोजन पाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, उन बच्चों को यदि दो वक्त का भोजन आसानी से मिल जाए तो वो क्यों परिश्रम करेंगे, वो क्यों मेहनत करेंगे? आप अगर देखें तो जूते पॉलिश करते हुए आपको बच्चे मिल जाएंगे, चूड़ियों की जो फैक्ट्रियां होती है लाख की चूड़ियों की, उसके अंदर आपको बाल श्रमिक मिल जाएंगे, मजदूर मिल जाएंगे, चाय की थड़ियों पर आपको मजदूर मिल जाएंगे, कचरा बीनने वाले आपको मजदूर मिल जाएंगे, बच्चे मिल जाएंगे, छोटे छोटे दिहाड़ी करने वाले मजदूर आपको मिल जाएंगे, जो अपने सिर पर ईंटों का बोझ लेकर के चलते हैं, खेतों में काम करते हुए आपको छोटे छोटे बच्चे मिल जाएंगे। तो क्यों उनका बचपन आप छीन रहे हैं? उन बच्चों को भी पढ़ने दीजिए, उन बच्चों को भी खेलने कूदने दीजिए, उनका बचपन मत छीनिए उनसे। यही कवि यहाँ कहना चाह रहा है। ठीक है,
गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। अब कवि ने यहाँ पर फिर आक्षेप किया है, व्यंग किया है कि लेकिन दुनिया में बहुत सारी सड़कों पर, हजारों सड़कों पर गुजरते हुए बच्चे, आपको बहुत सारे बच्चे मिल जाएंगे जो मजदूरी करते हैं, श्रम करते हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। कवि प्रश्न छोड़ रहा है यहाँ पर आपके लिए कि आखिर वो बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, क्या हम इतने समर्थ भी नहीं है कि उन बच्चों की मदद कर सके। हालांकि सरकार ने, हमारी जो गवर्नमेंट है, उन्होंने इन बच्चों के लिए बहुत कार्य किया है, सराहनीय कार्य किया है। जो 12वीं तक की जो विद्यालय है, उन विद्यालय सरकारी विद्यालयों में मुफ्त शिक्षा, फ्री शिक्षा उपलब्ध करवाई गई है, निःशुल्क शिक्षा, उन्हें वहाँ पर भोजन की व्यवस्था भी करवाई गई है, उन्हें वहाँ पर किताबें फ्री दी जाती है, उनको यूनिफॉर्म्स फ्री दी जाती है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो उनका लाभ नहीं उठा पाते। तो ऐसे बच्चों की मदद कीजिए, ऐसे बच्चों की आप सहायता कर सकते हैं, और ऐसा अगर करते हैं तो हम उन बच्चों के बहुत बहुत लाभ दे पाएंगे। और ऐसे बच्चों को जो कि अपने परिवार के पालन पोषण के लिए मेहनत करते हैं, उन्हें दो वक्त की रोजी रोटी अगर उपलब्ध हो जाए तो वो मेहनत करना छोड़कर वो मेहनत को अपने बचपन में लगाएंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, कूदेंगे, खेलेंगे और हमें एक उज्जवल भविष्य देंगे। तो आज की ये कविता हमारी यही पूरी होती है। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।